नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे ही आप लोग पिन डाल के यहाँ पे, उसके बाद यूपीआई पिन डाल के यहाँ पे कंफर्म करते होंगे, यहाँ पे टिक लगाते होंगे, तो यहाँ पे लोडिंग लेने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा होगा, अनेबल टू सेट यूपीआई पिन। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो हमको भी ये प्रॉब्लम आया है, तो इस वीडियो हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे इसका, किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि हम किस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किए। तो हम इस वीडियो में 4-5 सॉल्यूशन को देखेंगे, तो सारा सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट है। तो जितना भी सॉल्यूशन बताए हैं, मतलब काफ़ी लोगों को इससे सॉल्यूशन हो जाता है, कोई इस सॉल्यूशन को ट्राई करते हैं, कोई उस सॉल्यूशन को ट्राई करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो सारा सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि अगर आपको प्ले स्टोर में इसका कोई अपडेट वगैरह आया हुआ रहेगा फ़ोन पे का, तो सबसे पहले तो अपडेट कर लेना। ये मतलब ये पहला प्रॉब्लम है, और काफ़ी लोग मतलब इसको बताते हैं, तो हम भी बता दे रहे हैं, तो काफ़ी लोगों का हो सकता है सोल्यूशन हो जाए। तो अपडेट अगर आया हुआ रहेगा तो अपडेट कर लेना है, ठीक है। नहीं अपडेट आया हुआ रहेगा तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम बता दिए कि इसका अगर अपडेट अगर आया हुआ रहेगा तो अपडेट कर लेना। चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद इसका अगर अपडेट नहीं आया हुआ है, अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे आपको फ़ोनपे को दाब के रखना है, यहाँ पे फ़ोनपे में क्लिक करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाएगा, शेयर, ऐप इन्फो, उसके बाद अनइंस्टॉल। तो ऐप इन्फो में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लियर डाटा में, क्लियर और डाटा में क्लिक करके यहाँ पे उसको पूरा क्लियर कर देना है, ठीक है। उसके बाद इससे होगा क्या कि आपका फ़ोनपे में जो भी अकाउंट लॉगिन रहेगा वो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैक आ जाना है, उसके क्लियर ऑल डाटा में क्लिक करके। उसके बाद फ़ोनपे में सारा अकाउंट को फिर से लॉगिन कर लेना है, जिस अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद फिर से ट्राई करना है कि आपका सॉल्यूशन हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हुआ। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कुछ अनुभव, और कुछ हम जो वीडियो देखे हैं उसमें जो बताता है, चलिए उसको हम बताते हैं। तो काफ़ी लोग बताते हैं कि अगर आपका ATM आया हुआ है, नया हुआ आया हुआ है, तो उसका पिन बना लीजिए पहले जाके, तो ही आप यहाँ पे मतलब UPI पिन सेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास भी एक SBI का ATM आया था, और उसका हम ना ही पिन बनाए थे जाके ATM में, ना ही कुछ किए थे, डायरेक्ट हम यहाँ पे UPI पिन सेट किए, तो मेरा हो गया था। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी लोग बताते हैं। और मेरा एक एक्सपीरियंस है कि आप SIM1 में अगर आप लगा लीजिएगा तो वो भी बेहतर होगा। इससे होता होगा या नहीं होता होगा कोई फ़र्क, लेकिन पता नहीं, आप SIM1 में लगा के चेक कर सकते हैं। बाकी और दूसरा ये है कि अगर बार बार आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो हो सकता है कि फ़ोनपे का सर्वर प्रॉब्लम हो या बैंक का सर्वर प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार वेट कर लीजिएगा थोड़ा देर, या तो फिर अगर मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो तो मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ये अब जो हम बता रहे हैं इसको आप ज़रूर से सुनिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो होता है ये कि अलग अलग खाता, मतलब अलग अलग लोगों का खाता सेम ही बैंक में और एक ही नंबर से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब मेरा जो नंबर है, मेरा जो मोबाइल नंबर है, उसी में मेरा फैमिली में तीन खाता है, मतलब सेम ही बैंक में। तो जैसे हम लोग फ़ोनपे में ऐड अकाउंट करते हैं तो तीनों अकाउंट आ जाता है। तो कई बार क्या होता है ना कि जिसको नहीं आता है तो किसी और के खाते में अपना डिटेल डाल देते हैं ATM का, तो वो डिटेल मैच नहीं हो पाता है, जिससे ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पर जो नंबर हम आपको बताएं, ये अकाउंट नंबर है, तो इस अकाउंट में जो ATM आया हुआ है उसी ATM का यहाँ पर आपको डिटेल डालना है। कई बार क्या होता है, किसी दूसरे के, अपना फैमिली मेम्बर में किसी दूसरे के खाते में अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, मतलब कार्ड नंबर जो आया हुआ है यहाँ पे, जो मांग रहा है 6 डिजिट, तो भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे ट्राई कर लेना है कि जो भी यहाँ पे खाता नंबर है उसमें जो ATM आया हुआ रहेगा वही आपको यहाँ पे डाल के चेक करना है, ठीक है। तो इससे भी काफ़ी लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जितना भी सॉल्यूशन बताएं काफ़ी खास है, तो आप सारे को ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका सारे ट्राई करने के बाद भी अगर आपका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप फ़ोनपे के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। और किस तरह से बात कर सकते हैं, इसका वीडियो अभी शो हो जाएगा कुछ देर में, उस वीडियो को आप देख के शो बात कर सकते हैं, उस वीडियो में प्रोसेस बताए हैं। बाकी आप इस वीडियो से आपका अगर सॉल्यूशन हो जाता है, तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपका किस तरीका से सॉल्यूशन हुआ और क्या क्या आप किए, ताकि और लोगों को जो ये प्रॉब्लम आ रहा है ये मतलब और नहीं सॉल्व हो जाए उनका। तो इससे आप लोगों को काफ़ी लोग धन्यवाद बोलेंगे आपको कमेंट में, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।